ग्लास आपका अभी अभी जिस ऑटो में बैठे तो पता चला इसमें पंचर है, लाइट ही बिल्कुल पंचर हो चुकी है हमारी। चैनल केपी सिन्हा व्लॉग्स और आज हम लोगों को यहाँ पे और ये लोग कब से मेरा वेट कर रहे थे तो मैं भी चाबी निकाल लेती हूँ। आ चुके हैं स्कूल में आने के बाद, अभी हम लोगों ने यहाँ पे टेबल अपनी सजा लिया है, पूजा करेंगे, उसके बाद हमें थोड़ी सी रंगोली बनानी है, ट्राई करते हैं रंगोली बन पाती है कि नहीं, वैसे स्टेंसिल्स बन तो जानी चाहिए। साथ ही में वो रही मनीषा मैम बैठी हैं, मतलब अभी हम लोग काम करके ही आए हैं बाहर से, और बस रंगोली बनाएंगे। और आज मैं अपना ट्राईपॉड भी लाना भूल चुकी हूँ गाइस, सो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैम एक बात बताओ, ये दिए जलाने हैं तो इसे भिगोने भी तो पड़ेंगे ना, तुम दिए भिगो के करती हो कैसे करती हो पता नहीं, तो जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। तब तक बने रही है मेरे साथ KP सिन्हा व्लॉग्स। रंगोली बना रहे हैं, ये रही हमारी मनीषा मैम भी आ रही है रंगोली बना और शालू मैम को हमने रंगोली बनाने को कहा है, वैसे बोल रही थी मुझे आती नहीं है, और देखो सबसे इतनी बढ़िया रंगोली बना रही है कब से बैठ के, फिनिशिंग वाली बोल रहे हैं सब। बस मैं ना अंदर रह गई हूँ और ये मुझे बाहर आने नहीं दे रहे दोनों, मुझे बाहर आना है प्लीज यार, मेरी दीदी और मेरी खुशहाली की तरह मत करो, मेरे को आने दो प्लीज। उसके बाद हम तीनों टीचर्स की परफॉर्मेंस थी, मेरे घर राम आए हैं तो इस पर हम लोग ना प्रैक्टिस कर रहे थे, और सच्ची बताओ प्रैक्टिस करने में मज़ा आता है बट जब एक बार प्रैक्टिस करने के बाद रुक जाते ना बहुत थकावट हो जाती है, और हम लोग इसको सब कुछ याद ही था वैसे तो। प्रैक्टिस कर ली है और बेल डन अभी प्रेम रतन पाए वाला नहीं किया हमने, तो बस अभी थक गए हैं और अभी थोड़ी सफाई भी हो रही है। तो देखो यार सब मुझे बाहर तो इतना रंगोली नहीं बनाने दिया, थोड़ा बहुत ही बना पाई तो मैंने यहाँ पे रंगोली बना दी है बेल डन। फिर हमारी मैम आई, हम लोगों ने फिर दिए में तेल डालना शुरू किया, सारी प्रिपरेशन की क्योंकि अब हम लोग जा रहे थे पूजा स्टार्ट करने अपनी सब लोग मिलके।
यहाँ पे रख दो इस वाले पे, चप्पल रखाओ चप्पल। हडल्स के बाद हम लोग ने क्रॉस रिवर का मुंह देखा और अब हम लोग जाना अपनी मैम के पास। इससे बड़ा तो मैम के साथ ही आ जाते। कहाँ पे है मैम? मैम वहाँ पे पहुँच गई। अच्छा वहाँ पे मैम ठीक है मारे। ओके ओके आई एम सॉरी मम्मी, रियली रियली सॉरी। खाना सारा बहुत बढ़िया था, बट मैंने फर्स्ट टाइम ये हरा भरा कबाब खाया और ये खाना में ना ये जो डिश थी स्पेसिफिकली वो मुझे ओवर द टॉप लगी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पहली बात तो ये कि इतना अच्छा था। मुझे ना ये होता है कि मुझे लगता है मैंने स्पाइसी फूड ज़्यादा पसंद है, बट नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कबाब्स वगैरह भी अच्छे लगे और ये वाला डिश सबसे बढ़िया थी। और मैंने फर्स्ट टाइम भी ट्राई किया था और मेरा पूरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा इस डिश के साथ। बाकी मैंने चाप भी ऑर्डर किया था, वो भी ठीक था, बट ये सबसे बढ़िया था, इसलिए मैंने इसमें स्पेशली वॉइस ओवर किया है अपना।
डिनर्स अपना लंच वगैरह कंप्लीट करके आए, हम सब जाएंगे साथ में, इसीलिए हम साथ में निकल गए हैं। और ये लिफ्ट अभी तक खुल नहीं रही, 4 बज गए और मेरी मम्मी का तो मैं क्या ही जवाब दूँगी आज। मेरी मम्मी कहेगी छोटी दिवाली में भी चैन ना ऐसे, पर कोई बात नहीं। तो अभी हम जस्ट ऑटो में बैठे, मैम चलाई मेरा फोन, मैम का फोन कहाँ था तुम्हारा फोन। तो अभी हम लोग ऑटो में बैठ के अपने घर जा रहे हैं, अनीता आंटी भी हमारे साथ हैं इस बार, और टाइम तो हो गया बट यार मज़ा भी आया आज बहुत ज़्यादा। आगे बात जो होगी मैं आपको घर जाके करूँगी, तो देखते हैं।